नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। जब भी कोई बड़ा ग्रह परिवर्तन होता है, हम उसके बारे में ज़रूर बात करते हैं, उसके ऊपर हम वीडियोस बनाते हैं, डिस्कशन करते हैं। आज एक अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन है, उसके ऊपर बात करेंगे। वो ग्रह मंगल ग्रह, भूमि पुत्र मंगल, वो 2 जून को नीच राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, अपनी नीच राशि कर्क में, जिसके स्वामी चंद्र है और कर्क राशि फेफड़ों में जुड़ी है, कोरोना से जुड़ी हुई है। कर्क राशि ही मेन जो है रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें कोरोना हो रहा है। कोरोना में मंगल जा रहे हैं, नीच होके जा रहे हैं। कोरोना में जैसे ही जाएंगे, बृहस्पति की शुभ दृष्टि से हट जाएंगे और शनि की हिंसक दृष्टि में आ जाएंगे। शनि अत्यधिक प्रबल और विपरीत जा रहे हैं, सभी को भी वक्री जा रहे हैं शनि। 2 जून प्रातः 6 बजे से लेके और 20 जुलाई सायकाल 5:55 तक मंगल नीच रहेंगे, कर्क राशि में रहेंगे, कर्क राशि में भ्रमण करेंगे। बीच में एक थोड़ी सी शुभता आएगी, शनि के गुरु, असुर गुरु, दैत्य गुरु, ब्राह्मण ग्रह शुक्र जो है कर्क राशि में 22 जून को प्रवेश करेंगे, 17 जुलाई तक रहेंगे। तो थोड़ी सी शनि और शुक्र की जो आपस की दृष्टि संबंध है, थोड़ी सी सौम्यता ले आता है, तो शनि मंगल की लड़ाई इतनी खराब नहीं जाएगी शुक्र के कारण। मंगल की दृष्टि शनि पर भी है और बृहस्पति पर भी है, और याद रखिए बृहस्पति कुंभ राशि जिसके स्वामी शनि उसमें जा रहे हैं, तो पूरा 3 ग्रहों का एक निचोड़ बनेगा। बृहस्पति अत्यधिक महत्वपूर्ण, शनि अत्यधिक महत्वपूर्ण, मंगल अत्यधिक महत्वपूर्ण, पूरी सृष्टि के ऊपर, पूरी मानवता के ऊपर, पूरे 12 लग्न 12 राशियों पर। अब हर लगन के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, अब आपके साथ में तुला लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा मकर राशि में मंगल के होने वाले परिवर्तन से। तुला लगन में मंगल द्वितीय और सप्तम भाव के यानी मार्ग ग्रहों के स्वामी हैं, परंतु महत्वपूर्ण भी हैं विवाह से, व्यापार से, धन से, परिवार से, ऊर्जा से। तुला लगन में पूरी क्रिएटिविटी को ऊर्जा मंगल ही देते हैं। आप फिल्म स्टार हों, टीवी में हों, मीडिया में हों, मंगल यदि प्रबल होगा तो तुला लगन चमकेगा। यदि मंगल निर्बल होगा तो क्रिएटिविटी रहेगी, परंतु ऊर्जा विहीन सा चरित्र रहेगा। तो प्रबल मंगल अत्यधिक शुभ रहता है। ज्योतिष में मंगल का दशम भाव में भ्रमण अच्छा माना जाता है, तो मंगल दशम भाव में जा रहा है, साधारण रूप से अच्छा होता, परंतु शनि की दृष्टि में आने से शनि मंगल की भिड़ंत में थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तुला लगन में शनि चतुर्थ भाव में जा रहे हैं, जब मंगल दशम में पंचम भाव में गुरु हैं, गुरु पर भी मंगल की अशुभ दृष्टि है। सूर्य 14 जून तक लगभग खराब रहेंगे अष्टम भाव में, उसके बाद मिथुन में आके थोड़े से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि में आ जाएंगे। तो सभी ग्रहों को यदि हम देखें, जैसे केतु द्वितीय भाव में अष्टम में राहु है, तो जो सारी ग्रह स्थिति बन रही है, इसमें हम ये मान के चलेंगे अत्यधिक सावधानी से विवाह, प्रेम संबंधों, नौकरी में, धन को लेके, खर्चे को लेके, पारिवारिक शांति को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, विवाह को लेकर, सभी विषयों पर सावधानी चाहिए। सबसे पहले धन को लेते हैं, केतु है वहाँ पे द्वितीय भाव में, कोई भी स्पेकुलेटिव फाइनेंशियल एक्टिविटी सडनली ना करें इस पीरियड में, नया व्यापार आरंभ ना करें, क्रिकेट, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा इससे बिल्कुल बचें। नया व्यापार इस समय ना करें, पुराने व्यापार को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो करें, परंतु कर्जा लेके ना करें। किसी भी बिजनेस साझेदार के लिए बैंक गारंटी इत्यादि ना दें, किसी को भी कैश मनी उधार ना दें, सिर्फ चेक से दें। तो मंगल की दृष्टि गुरु पे है, तो धोखा ना आप खा जाए भविष्य में जाके, झगड़े मुकदमे ना शुरू हो जाए, इसलिए कैश ना दें। फौज, पुलिस, मीडिया, एग्रीकल्चर, फार्मा, डॉक्टर्स, स्पोर्ट्समैन, बिजली का क्षेत्र, सबके लिए अत्यधिक मेहनत के उपरांत सफलता मिलेगी, तो चोट लग रहे छोटे छोटे संकेत बन रहे हैं।
छोटे छोटे संकेत बनते हैं घुटनों में, पीठ में, या तनाव बनते हैं। मांसाहार मद्यपान से बचना होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि पंचम भाव बृहस्पति शनि सबके है। लीवर से जुड़ी समस्याएं अचानक सपना उठाने, मांसाहार मद्यपान इत्यादि से बचना होगा। दशम भाव में मंगल आ रहा है, माता पिता के स्वास्थ्य में ध्यान रखना, विशेष करके उनका यूरिक एसिड, उनका ज्वाइंट्स, उनका 22 जून से 17 जुलाई में नेत्र की समस्या दोनों पेरेंट्स के कैटरेक्ट इत्यादि ध्यान रखना होगा। कोई भी भूमि वाहन इत्यादि खरीदना होगा, उस पर कर्जा नहीं लेना होगा। संकेत मिल रहे हैं ज्वेलरी खरीदने के, भूमि खरीदने के, संपत्ति खरीदने के, खरीदें 15 जून के बाद खरीदें, परंतु कर्जा ना लें। ड्यू डेलिजेंस करें, बैकग्राउंड चेक करें, फौज पुलिस सुरक्षा चिकित्सा इत्यादि में अत्यधिक सावधानी के साथ चलें। थके रहेंगे, ऊर्जा कम रहेगी, परंतु मन खुश रहेगा, मन खुश रहेगा। यदि परिवार में बाकी लोगों का स्वास्थ्य ठीक है तो मन खुश रहेगा, परंतु ऊर्जा भी इनसे रहेंगे। इसलिए आप अनुशासनहीन हो सकते हैं वर्क प्लेस पर, वो ना हो। विशेषकर 22 जून से 17 जुलाई में यदि आप लीडरशिप रोल में हैं, फौज में, पुलिस में, डॉक्टर इधर कहीं पर भी हेड कर रहे हैं, तो आप इनडिसिप्लिन ना हो, अनुशासन को बना कर रखें पूर्ण रूप से, अन्यथा उसकी हानि हो सकती है। और विशेषकर 14 जून तक समय खराब है, उसकी हानि हो सकती है। 14 जून तक ही माता पिता, विशेषकर पिता के स्वास्थ्य का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, उसके उपरांत सब ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इस समय कंस्ट्रक्शन इत्यादि अभी स्टार्ट ना करें। इंटीरियर में खर्चा कर सकते हैं, परंतु सोच समझ के धन हाथ से आके निकल के फिसल जाएगा 22 जून से 17 जुलाई, उस पर ध्यान रखें। बाहर के खान पीन पर ध्यान रखें, शेयर मार्केट सेक्टर पर ध्यान रखें। अचानक यात्रा जो है संतान के साथ बाहर की, उससे बचें। वर्क प्लेस पर एक्सामरेटल अफेयर्स, इससे बचना अत्यधिक आवश्यक होगा। अब आप करें क्या, मंगल जो है जिस प्रकार की एक अनियंत्रित ऊर्जा से चलेगा शनि की दृष्टि के कारण, क्या करें, मंगलवार को, हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाएं, ओम नमः भक्ते वासुदेवाय तथा हनुमान चालीसा दोनों मंत्रों का जाप करें। सरसों के तेल का दीपक शनि और मंगल को पीपल के पेड़ पर शनि के लिए चढ़ाएं। फिश बिल्कुल ना खाएं, मटन अवॉइड करें। और यदि मंगल की दशा चल रही है, मांगलिक हैं, तो मूंगा, फौज इत्यादि, पुलिस में, डॉक्टर में, चिकित्सा में, तो मूंगा और सफ़ेद पुखराज, अन्यथा सफ़ेद पुखराज पन्ना और मूंगा तीनों धारण कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।